अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कॉटन लॉन के बेबी ड्रेस डिज़ाइनिंग का आइडिया लाई हूँ, जो कि आप बना सकती हैं। बहुत इजी और सिंपल हैं। आप किसी भी तरह का प्रिंटेड फैब्रिक लें या सिंपल फैब्रिक लें, चेक का लें, डॉट्स लें, लाइनिंग लें, जो आपको अच्छा लगता है आपकी बेबी पर प्रिंट कलर्स, आप उसके मुताबिक कॉटन फैब्रिक लें। मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा आपको कॉटन फैब्रिक लॉन फैब्रिक के आइडियाज़ दिए हैं कि आप किस तरह से मैचिंग कर भी ले सकती हैं, सेम एक प्रिंट का भी ले सकती हैं। पाइपिंग के लिए आप अलग कलर ले लें, बॉडी और फ्रिल के लिए एक कलर ले लें, या सेम नहीं तो दो कलर्स में आप फ्रॉक बना लें, बॉडी चेंज और फ्रिल चेंज। इस तरह से फ्लावर, बो और मुख्तलिफ स्टाइल की चीज़ें लगाकर सिंपल सिंपल फ्रॉक को बहुत ही खूबसूरत ब्रांडेड फ्रॉक बना सकती हैं। इस तरह से आप पॉकेट लगाकर उस पर किसी भी कलर की, ये देखिए, लाइनिंग बो या कोई फ्लावर, इस तरह से बेल्ट रिबन के साथ या सेंटर में या नीचे दामन में, इस तरह से आप कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर खूबसूरत से डिज़ाइनर ड्रेसेस बना सकती हैं। ये सारे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं कि आप अपनी बेबीज़ के छोटे छोटे स्ट्रिप से, यानी कि जो आपका ड्रेस में से फैब्रिक बच जाता है, उससे भी आप ये वन ईयर टू ईयर बेबी का ऐसा सिंपल सा फ्रॉक बना सकती हैं। इसमें डिज़ाइनिंग करने की सिर्फ आपको ज़रूरत है, आप स्ट्रिप को जिस भी शेप में कटिंग करेंगी बॉडी की शक्ल में, आपका वही डिज़ाइनर ड्रेस बन जाएगा। बेबी फ्रॉक इंतहा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि समर सीज़न में तो आपको मालूम ही है कि बेबीज़ को ईजी कम्फर्टेबल ड्रेसेस ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, यानी कि इजी रहते हैं, वो अपने आप को इजी फील करती हैं और कहती हैं मम्मा ये ड्रेस हमें अच्छा लगता है। और ज़रा सा हम हैवी या कोई फैंसी पहना दें तो बच्ची कहती हैं हमें चुभ रहा है, ये गर्मी लग रही है, ये एंड वो। तो इस तरह से आपको बचने के लिए ये इजी और सिंपल सिंपल से स्लीवलेस फ्रॉक्स बना सकती हैं वन ईयर टू ईयर बेबी के, थ्री ईयर के। जो लेडीज़ नहीं चाहती स्लीव्स लेस पहनाना, वो छोटे छोटे स्लीव्स या फुल स्लीव या हाफ स्लीव लगा सकती हैं। तमाम डिज़ाइन बहुत खूबसूरत हैं, इजी हैं। अगर आपको कटिंग एंड स्टिचिंग भी देखनी हो तो आप मेरे चैनल से देखिए, इन तमाम ड्रेसेस की, फ्रॉक्स की कटिंग स्टिचिंग मौजूद है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और मेरे साथ इसी तरह बने रहें और राय देते रहें कि आपको किस टॉपिक की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है। अपने लिए, सबके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह हम सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। तमाम इंसानों को, पूरी दुनिया को हर तकलीफ़, हर मौजी मरज से, हर बीमारी और हर परेशानी से बचा ले, आमीन सुम्मा आमीन।